हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं द गेम्स एचडी और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो आज हम खेलने वाले एक और नया करियर मोड का एपिसोड जो कि होने वाला है नॉर्वे सिटी की तरफ से। यस, ये उल्टाज मोड स्टोरी मोड नहीं है, ये है हमारा करियर मोड। तो इस करियर मोड को हम काफ़ी सीरियस ले रहे हैं और आप लोगों का सपोर्ट भी बहुत अच्छा है, तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें और इस वीडियो को भी फटाफट 250 लाइक कर दें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ आ जाए और मोटिवेशनल फैक्टर हमको मिलता रहता है आपके लाइक के सपोर्ट से। तो आज का हमारा नेक्स्ट मैच जो होने वाला है वो किसके साथ होने वाला है वो हमें देखना है, क्योंकि अब हम खेल रहे हैं थोड़े से प्रीमियर लीग के मैचेज और बाकी कुछ इंटरनेशनल मैचेज भी आ रहे हैं जिनके मेल हमें मिलते रहते हैं। तो ऐसे ही अगर आपको लगता है कि मैंने और कंटिन्यूस मोड को खेलना चाहिए या उसे वोल्टास मोड ज्यादा खेलना चाहिए तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहां पे हमें जो है एक मेल आ चुका है जिसमें बताया गया है कि इंटरनेशनल मैचेस के भी होने वाले हैं, तो हमको वहां पे भी जाना है भाई साहब। ओके, तो आज का हमारा नेक्स्ट मैच जो होने वाला है ये कौन सी टीम है भाई साहब? प्रीमियर लीग का मैच है और वाटर्स के साथ कुछ मैच है, तो नाम भूल गया मैं इनका क्या नाम था यार। चलो Great to have you along. अभी दिख जाएगा अच्छे से बड़ी स्क्रीन पे। वॉटफोर्ड के साथ हमारा मैच है और ये प्रीमियर लीग का मैच है। फिलहाल प्रीमियर लीग में ज्यादा मैच जीते नहीं, ज्यादा हुए भी नहीं हमारे। ओके, तो नॉरिस सिटी रेडी है, नॉरिस सिटी अपने होम पे खेल रही है, तो ट्राई करेगी ये मैचेस ज्यादा से ज्यादा गोल करके जीते। तो यहाँ पे देखना कितने गोल करती हूँ, कितना मैच जीतती है, बहुत जरूरी है। तो हियर वी गो, बॉल है हमारे पास, क्या कुछ कमाल धमाल यहाँ से। ओके, गंदा पास। ओके, फिर से अटैक पे टीम है नॉरिस सिटी और बॉल है हमारे काफी करीब, यहाँ से बॉल तो मिल गई है। मैं चाहता हूँ पास दे दूं और अब मुझे लग रहा है फिर से डिमांड कर लीजिए। यस, गिव मी द बॉल और यहाँ से बहुत ही ओ भाई, ये तो कर्ड वाला गोल दिख रहा है मुझे, मतलब फर्स्ट टच में बॉल स्विंग होके अंदर गई है। क्या ये वही गोल है? देखना पड़ेगा हमको। ऐसा हमने पेस में गोल किए हैं, पेस में तो बहुत जबरदस्त है ये गोल सिस्टम, लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा यहाँ पे कैसा। लेकिन हमारे यार स्टार पलक खार ने कर दिया कुछ कमाल धमाल। यस, जैसा कि मैंने आपको कहा था, बॉल हुई है बढ़िया इनसाइड कर्व और सीधी गोल पोस्ट के अंदर। ये देखो, वाओ, वन टच गोल, that's very 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 nice goal by our team player AJ। अच्छा, AJ लिखा मैंने, उसको पूरा लिखना था, पूरा लिख नहीं पाया। मुझे लगता है AJ का AJ Styles डाल देना चाहिए था, तो सारे WWE के प्लेयर बन जाता था बेचारा। सो ही वी गो, अब अटैक पे है वॉटफोर्ड और बहुत ही बढ़िया ट्राई, लेकिन उतना अच्छा सेव हमारे गोलकीपर की तरफ से, बहुत ही चुस्त दुरुस्त लाइफ बॉय से नहाने वाले हमारे गोलकीपर जिनका नाम हम नहीं जानते हैं। कोई बात नहीं, दैट डजंट मैटर, नाउ गिव मी द बॉल, वेरी गुड बॉल, लेकिन बढ़िया ट्राई, लेकिन गोल नहीं हुआ मेरे भाई। और यहां से पास दिया हमारे, ओ क्या बात है भाई, टेटी ने गोल स्कोर कर दिया, वो भी नेट फाड़ गोल मारा है भाई, क्या शॉट मारा और सीधा बॉल गई गोल पोस्ट के अंदर, और जनता भारी खुशी खुशी के मारे पागल होते हुए यहाँ लोग। ये देखो यहाँ से बढ़िया बॉल और भाई वन टच में टेटे ने बहुत जबरदस्त गोला स्कोर कर दिया है अंदर, लेफ्ट फुट से शूट, वाह गजब गोल, क्या बात है। मतलब मेरी टीम कुछ आज जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए और आप लोगों के लिए एंटरटेनमेंट होता। तो अलेक्जेंडर टेटे का सेकंड नंबर गोल और फिर से अटैक पे टेटे और बहुत ही बढ़िया बॉल विंग की तरफ से और विंग के अंदर बॉल आई है, लेकिन कोई भी मुस्टंडा वहां पे था नहीं जो ये बॉल ले ले और कोई स्कोर कर दे भाई, बहुत ही आलसी किस्म के प्लेयर। ओके, फिर से बॉल है हमारे पास और बढ़िया बॉल यहाँ से, एक और अच्छा पास, और क्या ये गोल हो पाएगा? जी नहीं, नहीं हो पाया, क्योंकि अभी भी हम शूटिंग के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, फिर से बॉल, ओ बढ़िया, ओ भाई टेटे तो कदे जादूगर दिख रहे हैं मेरे को, लेफ्ट फुट से जो उड़ाया जा रहा है ना। ये देखो फिर से बॉल थी टेटे के पास और जबरदस्त शॉट और गोल कीपर बहुत चक्के रह गए भाई यहाँ पे, क्योंकि समझ नहीं आई बॉल कब कहाँ से आई। और सेकंड हाफ की शुरुआत यहाँ से हो चुकी है और अब देखना है क्या हम लीड और एक्सटेंड कर रहे हैं। यार मुझे इस पता थोड़े से पता, मैं इतने टाइम से पेस खेल रहा हूँ, बड़ी दिक्कत हो रही है मुझे, मतलब वो फिर से अटैक पे का गोल हो पाएगा यहाँ पे, और बहुत ही बढ़िया बॉल और ओ ओ अरे यार, और उसने ऑफसाइड दे दिया, मुझे लगा ही था। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था, काफ़ी टाइम से पेस खेलने की वजह से हमारी आदत जो कंट्रोलर वैसे बन गए, लेकिन फीफा में काफ़ी चेंज है भाई, फीफा का गेम प्ले मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा, मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, गेम काफ़ी अच्छी है, लेकिन जो
मतलब गेम प्ले, इस गेम का जो खेलने का तरीका है वो काफी डिफरेंट है. डिफरेंट इन द सेंस कि आप पेस जब भी खेलते हो फील वेरी यू नो फ्री लगता है आपको, कि और प्लेयर के मूवमेंट और वगैरह काफी चेंज है. यहाँ पे हो सकता है मैं बहुत कम खेलता हूँ. और इसी के साथ एक और गोल, जबरदस्त गोल असिस्ट किया हमने और वो डी बॉक्स के अंदर ही खड़े थे भाई साहब हमारे प्लेयर, और उन्होंने गोल जो है कर दिया, नेट में डाल दी बॉल फटाफट विदाउट गोल कीपर के एंटीमेशन, और गोल नंबर 3 हो गया, 4 हो गया, देखो वो जबरदस्त गोल है भाई, बहुत बढ़िया. वैसे तो ये देखा जाए तो सरप्राइज गोल है गोलकीपर के लिए, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं. तो 3 गोल यहाँ पे हो चुके हैं और बहुत ही बढ़िया अटैकिंग करते हुए, क्या बात है, अपने घर पे 3 गोल जड़ दिए हमने. और फिर से बॉल हमारे पास है और हमें पीछे देनी चाहिए, और बहुत ही बढ़िया पास, और क्या या ओ क्या बात है भाई, गोल नंबर 4. कुछ ज्यादा ही चार्ज होगी मेरे प्लेयर, ऐसा लग रहा है मुझे. तो इस जबरदस्त गोल के साथ 4 गोल कर दिए इस मैच में, और हर गोल में हमारा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो है भाई, बहुत ही अच्छा गोल, क्या बात है. प्रीमियर लीग में 4 गोल ठोक दिए हमने, देखा जाए तो मैंने हर एक प्लेयर को एक गोल दे दिया प्रीमियर लीग का, अगर वो समझ सकते होंगे तो. ये देखो कॉर्नर है, केन इसका भी एक ही गोल हुआ है पर प्रीमियर लीग में अभी तक. और यहाँ पे थोड़े से चेंजेस भी करते हैं नॉर्विच सिटी, और फिर से अटैक पे बॉल है हमारे पास, क्या है यहाँ से कुछ कमाल धमाल. भाई कितना खुश हो रहा है, 4 गोल खाने के बाद भी इतनी खुशी कहाँ से ला रहे हो भाई. ओके कॉर्नर, ओ नो, बहुत ही बढ़िया, फिर से बॉल हमारे पास है. और ये देखो ये वाली जो मूवमेंट टेरेस में बड़ी स्लो है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं कुछ सेटिंग ऐसी है या मैंने कुछ कम किया है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे ऐसा फील होता है बहुत टाइम, ये बहुत स्लो है भाई, बहुत ज़्यादा स्लो है, मतलब आलसी का बाप है ये समझ लो. क्या बात है, बढ़िया से बहुत ही बढ़िया अटैक करते हो यहाँ पे. और इसी के साथ ये गेम एंड, और 4-0 से हमने ये मैच जीता है, बताओ तगड़ा मार्जिन है भाई. ये तो अभी तक हमने कोई मैच 4-0 से तो बिल्कुल नहीं जीता है, फर्स्ट टाइम हमने फीफा 20 करियर मोड के एपिसोड में 4 गोल से ये मैच जीता है, जिसमें कि काफ़ी अच्छे असिस्ट भी रहे हमारे, गोल भी मैंने किए हैं लेकिन उतने अच्छे नहीं है. तो हाँ मैं आपको बता था कि अगर आप पेस बहुत टाइम से खेलते हो, आप फीफा 20 खेलने आते हो, तो यू माइट बी गेट सरप्राइज बिकॉज काफ़ी कुछ चेंजेस हैं इस के मोड में. और सबसे बड़ी बात तो गेम फिजिक्स जो है बहुत बहुत ज़्यादा चेंज है भाई, बहुत ज़्यादा चेंज है. बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि भाई पेस अच्छी है, फीफा अच्छी है. देखो दोनों ही गेमें सेपरेट, दोनों गेमों के अपने अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, लेकिन अगर आप काफ़ी टाइम से कोई गेम को खेल रहे हो तो आप उसे समझ सकते हो कि वो गेम कैसी हो सकती है, आप उसके साथ कैसे जो है बिहेव कर सकती है वो गेम आपके साथ. तो मेरा तो ऐसा मानना है कि मैं काफ़ी टाइम से पेस खेलता हूँ, हालांकि मैंने फीफा 19-18 भी खेला है, लेकिन ये बार का जो खेला है हो सकता है माय करियर मोड में मैं खेल रहा हूँ, इसलिए मुझे ऐसा थोड़ा सा चेंजेस लग रहा है, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं मतलब कलेक्ट नहीं कर पाता हूँ. मे बी आई एम स्लो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ही बहुत फास्ट हुई, हो सकता है काफ़ी स्लो हूँ, ऐसे मैं काफ़ी उतना अच्छा नहीं खेलता हूँ इसमें अकॉर्डिंग टू पेस. पेस में हमारा हाथ बना हुआ है, लेकिन इसका जो गेम प्ले है, जो कंट्रोलर की एक्टिविटी है या जो मूव्स हैं, वो मैं जल्दी नहीं कर पा रहा हूँ पिक, क्योंकि मैं पेस खेलने की वजह से जो दूसरे बटन का यूटिलाइजेशन था वो मैं काफ़ी अलग तरीके से करता था, जैसे सेंटर सर्कल में या इसमें जो बॉल प्रेशर लेके लेना है वो भी काफ़ी डिफिकल्ट लगा मुझे, क्योंकि वो सर्कल से स्लाइड भी करता है और बॉल भी लेता है, लेकिन जितनी भी बार मैं बॉल लेने की ट्राई करता और वहाँ जाता उतनी देर में भाई वो प्लेयर निकल के कहीं और चले जाता है. तो दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज एंड वेरी डिफिकल्ट फॉर टू मी. वैसे तो मैंने देखा कि फीफा 20 में बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं जो बहुत ही अच्छा खेलते हैं यार, उनकी गेम देखने लायक होती है, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ भी देखे हैं, लेकिन फिर भी हम एक ऑर्डिनरी प्लेयर है इसमें, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, मतलब हम ट्राई करते हैं कुछ कर पाए उसमें एक्स्ट्रा, लेकिन कुछ कह नहीं सकते. तो ये हमारा इंटरनेशनल मैच हो रहा है यूएसए के साथ, और यहाँ ट्राई करेंगे कुछ अच्छी परफॉर्मेंस देने की ताकि हम ये मैच जीत सके. और बहुत ही बढ़िया बॉल छोड़ी मैंने अब, ओ भाई बॉल है, गोल स्कोर कर दे. ओ क्या बात है भाई, क्या बोलूं मैं, इतने बड़े 6 रन तो किसी ने मारे भाई जो तूने मार दिए. ओहो क्या बात है, और यूएसए अटैक करते हुए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बॉल और तगड़ा शॉट, लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारे सारे प्लेयर चुस्त दुरुस्त लाइफ बॉय से नहाने वाले और सदा फिट रहने वाले गोलकीपर,
बहुत ही बढ़िया सेव, आउटस्टैंडिंग। ओके नेक्स्ट बॉल, ओ नेक्स्ट बॉल हमें कॉर्नर से मिली थी लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ इसका। ओके तो यहाँ पे ये मैच का फर्स्ट हाफ ओवर होते हुए जिसमें कि कोई गोल नहीं आया अभी तक और दोनों टीमें काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए, और सेकंड हाफ की शुरुआत यहाँ से हो चुकी है। ओके बॉल है हमारे पास और बढ़िया पास, क्या कुछ कर पाएंगे इसका। ओ अरे भाई मारी ले वहां से, गोल नहीं मारते क्या। ओके एडम्स के पास बॉल है क्या ये यहाँ से, कुछ नहीं जी नहीं, सेकंड हाफ में भी कुछ नहीं और ये मैच जा रहा है ड्रॉ की तरफ, और इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच यूएसए वर्सेस इंडिया हो चुका है ड्रॉ, तो इसमें कोई पेनल्टी शूटआउट वगैरह कुछ नहीं हो रहा, लेकिन काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही तो हम भी थोड़े सेटिस्फाइड हैं, लेकिन फिर हम चाहते थे गोल हो जाए लेकिन गोल हुआ नहीं भाई, अब क्या कर सकते हैं बताओ। तो नेक्स्ट भी हमारा इंटरनेशनल ही मैच है और ये शायद स्विट्जरलैंड के साथ होने वाला है, किसके साथ होने वाला है देखना पड़ेगा, एडवांस हो जाओ भाई स्किप करके। अगर आप लोग कुछ फीफा 20 के टिप्स एंड ट्रिक जानते हो तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, और अभी तक अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे या डिस्कॉर्ड के सर्वर पे जाके आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, और कभी भी आप मुझसे आंसर पा सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम्स को लेके। तो here we go, next match, India versus Switzerland. क्या बात है? I'm Martin Tyler, Alan Smith, former England international, of course, is in the commentary box with me as usual. With great anticipation, we're looking forward to the match coming up very shortly. Martin Tyler, Alan Smith, दोनों ही जाने माने पहचान वाले बंदे भाई यहाँ पे, हमेशा से करते आ रहे कमेंट्री। Really good players out there, and importantly, we've got some match winners, some goal scorers down on that pitch. And I don't think we'll be disappointed. भाई चलो जल्दी जी। अभी हमारे ब्लू वाली किट है, पहले हम रेड से खेल रहे थे लेकिन अभी हमारे ब्लू है क्योंकि स्विट्जरलैंड की प्योर किट रेड है। तो हियर वी गो, मैच हो चुका है स्टार्ट और देखना है क्या इस मैच में कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पासिस तो फिलहाल थोड़े अच्छे कर रहे हैं और रैंकिंग थोड़ी सुधारनी हमको, और बहुत ही बढ़िया बॉल बॉल है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है जल्दी बताएं। और ये बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया अटैक, और लेकिन भागते अच्छे से नहीं, और ये एक बढ़िया ट्राई लेकिन कोई फायदा नहीं। ओके ओ भाई क्या बॉल था, बहुत ही बढ़िया, फिर से जल्द अटैक करते हुए यहाँ पे, और बहुत ही बढ़िया शॉट था भाई, मुझे लगा कि गोल अंदर ना चला जाए एट लास्ट में मरवाते हैं। तो पहले हाफ खत्म होने के लिए सिर्फ 2 मिनट बचे और मुझे लगता है कि यहाँ बॉल पकड़ते ही खत्म हो जाएगा वो, और ऐसा ही मुझे दिखते हुए। तो फर्स्ट हाफ ओवर, नो गोल स्कोर्ड। ओके तो सेकेंड हाफ की शुरुआत हो चुकी है यहाँ से, और होप कर रहे हैं कि अब तो गोल निकले। ओ भाई बाहरी मार दिया, क्या बताऊं मुझे, चाचा बहुत ही नरेगा और लग रहे बैठे बाहर आते, को बताता हूँ। ओके बढ़िया बॉल है ये तो, ओके and the board shows 3 added minutes, one of their better passes and he's given it away here. Badhiya passes to hain lekin goal score nahi ho pa raha bhai sahab na aaya Switzerland, are kya karte rehte bhai, samajh nahi aata pichhe pichhe kyun khelte hain, computer itna bewakoof to nahi ho sakta. State of the play, which is level pegging still, got in the way, good header, good clearing header. Well the word goal was on my lips a few times but I never actually had. ओके तो ये मैच भी यहीं पे ड्रॉ होके एंड हो गया, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं।
तो आज का एपिसोड मैं यहीं तक खेलने वाला हूँ। आई होप आपको पसंद है। अगर आप कुछ चेंजेस इसमें चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर उनको इम्प्लीमेंट करूँगा। और अगर आप कुछ नई चीज़ चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वोल्टास के मोड जो एपिसोड है वो ज़्यादा करें, तो वो भी लिख दे। 250 लाइक्स इस वीडियो पे कर देना, नहीं तो ये वीडियो हम नहीं करेंगे। भाई मुझे लगता है कि अगर 250 नहीं आएंगे तो शायद आपका इंटरेस्ट नहीं है इसमें। तो नीचे कमेंट सेक्शन में वो भी ज़रूर लिखना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय।